हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित वर्मा यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप सैमसंग डेक्स को किस तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं। मैं जो ट्यूटोरियल बता रहा हूं फिलहाल विंडो पर बताऊंगा, विंडोज़ पर बताऊंगा। और अगर आपको मैक के लिए चाहिए या फिर किसी और सिस्टम के लिए चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है बता दीजिए, मैं आपके लिए वो भी जो है लाकर दे दूंगा कि किस तरीके से आप मैक में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज का ट्यूटोरियल जो है ये छोटी सी वीडियो में भी हो सकती है, लेकिन आज की जो वीडियो है मैं आपको सिर्फ इसमें जो है विंडो के बारे में बताने वाला हूँ कि आप सैमसंग डेक्स को विंडो में कैसे जो है यूज़ कर सकते हैं। तो सर, बिना टाइम गवाए जल्दी से मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर जो है बता देता हूँ कि आप किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले जो है आपको अपने ब्राउज़र यानी क्रोम पर जाना है और वहाँ पर जाकर सर्च करना है भाई SAMSUNG DEX यानी सैमसंग डेक्स। और वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप पहुंचते हैं कुछ इस तरीके के लेआउट पर, और उस तरीके के लेआउट पर भाई आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शंस नज़र आते हैं और आप इस लिंक पर जो है क्लिक कीजिए। और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इस लिंक पर जब क्लिक करते हैं तो पहुंचते हैं कुछ इस वाली स्क्रीन पर, और इस वाली स्क्रीन पर भाई लिखा हुआ है कि आपको जो है किस तरीके का सैमसंग डेक्स चाहिए। आपको अपनी विंडो 7 या फिर 10 के लिए चाहिए या फिर आपको किसी और अपने सिस्टम के लिए चाहिए, जैसे कि विंडो 7 और 10 पर चलता है और साथ में भाई ये चलता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर, मतलब दो ही ऑप्शंस पर, मतलब दो ही सिस्टम्स पर चलता है ये, फॉर विंडो 7 एंड 10 एंड फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आपको जिस चीज़ के लिए चाहिए क्लिक कर दीजिए। मैंने जो है विंडो के लिए चाहिए और मैंने विंडो पर जो क्लिक कर दिया और ये डाउनलोडिंग होने स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, बाकी मैं आपको जो है डाउनलोड मैंने कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई और क्या क्या आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने जो है ऑलरेडी जो है डाउनलोड कर लिया है और ये जो आता है फिलहाल हमारे इस वाले ऑप्शन में आता है डाउनलोड्स के, और यहाँ पर आ गया लिखा हुआ सैमसंग डेक्स सेट अप विंडोज यानी WIN, और फिलहाल जो इसका साइज है यहाँ पर आ रहा है 94 MB। ठीक है, तो इसको जो है करते हैं ओके, और यहाँ पर करना आई एग्री, यहाँ पर नेक्स्ट, इंस्टॉल, और यहाँ पर इसमें अलाउ देना है इसको। ठीक है, ओके, और ये फिलहाल जो है इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। अब जैसे ही इंस्टॉल होता है ओके यहाँ पर लिखा होगा नाउ यू आर रेडी टू यूज सैमसंग डेक्स, हमें सिर्फ इसको ओके करना है और ऑटोमेटिकली जो है कि ये हमारे स्क्रीन पर शॉर्टकट जो है बना हुआ आ गया सैमसंग डेक्स का। ओके, तो यहाँ पर आता है टू स्टार्ट सैमसंग डेक्स कनेक्ट योर फोन टू योर कंप्यूटर यूजिंग ए USB केबल, जो आपके कंप्यूटर में USB केबल है उसके द्वारा जो है भाई अपना फ़ोन जो है कनेक्ट करना है, सैमसंग का फिलहाल बता रहा हूँ मैं, सैमसंग डेक्स है ये, उससे यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है और उसी के बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं अपना फ़ोन जो है इस पर कनेक्ट करता हूँ और ये मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन जो है इस पर कनेक्ट कर दिया। मैंने जो फिलहाल अपना फ़ोन कनेक्ट कर दिया और मेरे फ़ोन पर जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है गैलेक्सी S20 Ultra LTE, और ये ऑटोमेटिकली जो है डिटेक्ट कर लेगा। अब मेरे फ़ोन पर जो एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें मैं करता हूँ स्टार्ट नाउ, और जैसे ही मैंने स्टार्ट नाउ पर क्लिक किया ये ऑटोमेटिकली जो है मेरे फ़ोन की लेआउट, जो मेरी फ़ोन की स्क्रीन थी वो अपनी मेन स्क्रीन पर ले आएगा। आप अपने फ़ोन में जो जो चीज़ है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये मेरे सारे एप्लीकेशंस जो हैं फ़ोन में इंस्टॉल हैं, ये जितने भी सारे एप्लीकेशंस हैं ये सारे मेरे फ़ोन में जो इंस्टॉल हैं, और अब फिलहाल जो मेरे लैपटॉप पर है ये। तो ये जो है कुछ एक्सपीरियंस है सैमसंग डेक्स का, और ये भाई जो मेरे मतलब सैमसंग की इंटरनेट वगैरह जो भी मैं सर्व अपने फ़ोन में कर रहा हूँ वो इस पे जो है आ रहे हैं, तो ये मतलब काफ़ी अच्छी बात है। बाकी माई फाइल्स और गैलरी वगैरह सब मतलब ट्रांसफ़र वगैरह काफ़ी जल्दी जो है अपने फ़ोटोज़ जो है अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। अब मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ, मैंने गैलरी खोली और तो ये जो है मेरा फ़ोटो है, मैं इसको यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र किया और एकदम मतलब बिना किसी प्रोसेसिंग के ही यहाँ पर जो है मतलब ट्रांसफ़र हो गया। और मतलब सैमसंग डेक्स से ये भी एक फ़ायदा है कि फाइल जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है आपके कंप्यूटर में जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। तो सर, ये है कुछ नज़रिया भाई सैमसंग डेक्स का, अपने आप जो है किस तरीके से जो है विंडो में जो है इसका कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो सर, ये था कुछ मेथड कि भाई आप अपने सैमसंग डेक्स को जो है कैसे अपने लैपटॉप पर विंडो वाले या फिर कंप्यूटर पर जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मैक के लिए या फिर किसी और सिस्टम के लिए चाहिए तो आप नीचे कमेंट में जो है मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए वो भी लेकर आ जाऊँगा। तो सर, बस यही था आज की इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट मंथ।